तो नमस्कार दोस्तों। तो आज बताने वाला हूँ किस तरह से आप एक अच्छे से विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर मैं एमएस वर्ड का 2007 इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए जूम मैंने 140 का रखा है तो इसमें थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। बाकी मैं आपको साइज़ वगैरह बताऊँगा। एक दूसरा भी है जो कि नीचे है तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। अगर इसको भी आप बनाना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं एमएस वर्ड में। तो पहले दूसरे में से मैं दूसरा वाला सिलेक्ट करूँगा, इसी को बना के बताता हूँ ये किस तरह से एमएस वर्ड में बनाया गया है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक नया पेज लेना पड़ेगा और इसकी साइज़ वगैरह मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं कंट्रोल एन से। नया पेज आने के बाद आपको सबसे पहले तो एक शेप लेना है रेक्टेंगल का। उस शेप को लेने के बाद आपको उसकी साइज़ को ठीक करना है। तो चलिए चलते हैं इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं, ड्रा कर दीजिए। ड्रा करने के बाद राइट साइड कोने में ऊपर देखिए इसकी साइज़ वगैरह। यहाँ से आप इसकी जो हाइट है विद 3.5 और इसको 2.1 जो विजिटिंग कार्ड का नॉर्मली होता है। तो ये करने के बाद इसको तो इसकी जो बॉर्डर लाइन है बॉर्डर लाइन को थोड़ा सा चौड़ा करना है, मतलब थोड़ा सा इतना भी ठीक है। अब इसकी कलर करना है, ओहो तो फिल कलर चला गया। चलिए इसकी बॉर्डर लाइन का कलर करना है, ठीक है मैंने ब्लू किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एक शेप लेना है अलग से, यहाँ पर ये देखिए कहाँ गया ये वाला, ठीक है ये एरो का जैसा है, इसको मैं ड्रा करूँगा। और ड्रा करने के बाद इसको फिर कॉपी भी करना है। तो ये ड्रा हो गया है और इसकी थोड़ी सी वो पीले वाला दिख रहा है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा इसका जो चोंच है थोड़ा सा और इसे थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। देखिए कुछ डिजाइनिंग कुछ बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। इसकी या तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे या तो कंट्रोल डी अगर करते हैं क्योंकि सिलेक्टेड था तो कॉपी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैंने उलट दिया है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको और थोड़ा ऊपर नीचे करके इसको सही तरीके से सही जगह पे लगाना है। तो इन दोनों की चोंच को मुझे बराबर रखना है, मतलब ऐसे। तो यहाँ पर देखते हैं चोंच मिला है कि नहीं, नहीं थोड़ा सा और करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आते हैं तो ये भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, इसको मैं बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। तो चलिए इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखते हैं ये हाँ अब बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक निशान जैसे क्रॉस का था एक दूसरा वाला लेना है। इससे पहले चोंच को थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं और चलिए चलते हैं दूसरी शेप के अंदर जिसको हमें डबल पेस्ट करना है। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको एक इस तरह का शेप लेना है बेसिक शेप से और यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसको मैं पीला कलर करने वाला हूँ, मतलब येलो कलर। थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा पतला करके इस तरह से थोड़ा सा घुमा दीजिए, यस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए, ओके थोड़ा सा एरो की मदद से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। चलिए इसकी दूसरी कॉपी कंट्रोल डी करते हैं, अलग से कॉपी हो जाएगी, ठीक है। कॉपी होने के बाद इसको पलट देंगे, मतलब इधर से उधर। तो इसको थोड़ा मुझे ऊपर से करना पड़ेगा, मैंने गलत ले लिया है, इस तरह से करना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा। अब जैसे इसको घुमाते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। तो अगर आप वर्ड 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो पॉइंट को एडिट कर सकते हैं, 7 में फैसिलिटी नहीं है तो इस तरह से हमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। तो इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जब इसकी कलर करके और इसके आउटलाइन को हटाएंगे फिर पता चलेगा कितना सेट हुआ है, ठीक है। और लगभग 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 होने जा रहा है, ठीक है
यहाँ थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। चलिए इसके आउटलाइन वगैरह हटा के कलर करके भी चेक करेंगे। ठीक है, इसके कलर दे देते हैं येलो कलर। आउटलाइन को हम हटाएंगे इसकी, अभी इसकी दोनों के आउटलाइन को हटा देते हैं। नो आउटलाइन, इसका भी नो आउटलाइन। अब लगभग ठीक लग रहा है, इसका भी नो आउटलाइन करना पड़ेगा जो इसके पीछे वाला शेप है। ठीक है, बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट और कर लेंगे। इसमें हमें कुछ लिखना है तो थोड़ा लाइट कलर, चलो बाद में डार्क कर लेंगे। इसका भी कुछ कलर वगैरह सेटिंग कर लेते हैं। इसकी कलर तो वाइट रखेंगे, इसको तो वाइट ही रखना है। ठीक है, अब इसकी जो पीछे वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर का कलर भी हमें एक रखना है। तो यहाँ पर मैं कौन सा रखूँ, आप बताओ। ये चलिए ये वाला, आप अपने मर्जी से देख लेना कौन सा कलर सेट होता है। यहाँ पर एक शेप लेना है ऊपर इस तरह से, और इसको ऊपर कर देंगे और इसको ब्लैक कलर कर देंगे। और कंट्रोल डी से इसकी एक और ले लेंगे कॉपी, और इसको नीचे माउस से एरो की से आप ये थोड़ा नीचे कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेट हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लोगो लगाना है, लिखना है, एड्रेस डालना है। चलिए लोगो लेते हैं। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट में थोड़ा ठीक है, अभी तो सही है। चलिए लोगो वगैरह का काम कर लेते हैं। ये आउटलाइन वगैरह सबके हटानी होती है, सही रहता है। लोगो इंसर्ट में जाके पिक्चर में गए, और यहाँ पर मेरा एक लोगो बना हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल का, तो इसे हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा हो गया। अब इसे छोटा करने के लिए सबसे पहले साइज़ यहाँ से 2.5, अब जो भी आप यहाँ पर ले लीजिए, और ये छोटा हो जाएगा। और उसके बाद इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये आ गया। अब इसको छोटा करिए और यहाँ पर आराम से लगा दीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ सीखने के लिए तो टाइम चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक टेक्स्ट, अब आएगा टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना। यहाँ पर अब जो भी आपको लिखना है, आपका शॉप है, दुकान है, कोचिंग है, जो भी कंपनी है, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें काम करते हैं, वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने टाइप कर दिया, वो नीचे दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट अभी इसको मैं बड़ा करूँगा इसकी स्क्वायर को, तो दिखाई देगा नीचे का। दोनों का पहले साइज सेम कर लूँ, शायद 5 था। हाँ, अब सारे को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या लिखा है, कंप्यूटर स्कूल एंड रिपेयर सेंटर। सेंटर का स्पेलिंग गलत है भैया, ठीक कर दे। अभी करते हैं, ये लीजिए ई डल गया। चलिए अब इसके आउटलाइन हटाएंगे, फिल कलर को हटाएंगे, नो फिल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे नो फिल, और यहाँ से करेंगे नो आउटलाइन। ठीक है, ठीक है, ये एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बस इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छे से बना सकेंगे, और भी आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप मुझसे भी अच्छे हैं, मैं जो भी हमेशा कहता हूँ आपका टैलेंट मुझसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर ये जो सिंबल फ़ोन का, ईमेल का, ये सिंबल कैसे आता है वो भी आपको बताऊँगा। तो चलिए नाम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर नाम डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, और ईमेल वगैरह, वेबसाइट वगैरह डाल देंगे। मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज करूँ, क्योंकि बैकग्राउंड मेरे को थोड़ा सा लाइट लग रहा है, डार्क करेंगे तो सही रहेगा। पर नाम लिख लेते हैं, नाम का फॉन्ट भी चेंज कर देंगे। सिलेक्ट फॉन्ट में जाइए, और यहाँ से आपको जो स्टाइलिश अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साइज तरफ बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नो आउटलाइन नो फिल, थोड़ा और बड़ा, और इसकी कलर जो है वाइट करना है। और वाइट करने के बाद ये तो दिख नहीं रहा, ये तो पतला सा हो गया है। तो चलिए इसकी बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर देंगे, डार्क कर देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा लूँ, ये चलिए ठीक है। अब
चलते हैं, नंबर्स वगैरह, एड्रेस, ईमेल आईडी सब वगैरह डालने का समय आ गया। देखिए हर बार आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है। अब हम यहाँ पे सिंबल डालेंगे, ये देखिए सिंबल यहाँ पे है, लेकिन मैं कहाँ से लाया हूँ, यहाँ से आपको मिलेगा वेडिंग्स, नीचे नीचे वेडिंग्स, यहाँ पर आपका मिल जाएगा फोन, इंसर्ट, क्लोज, आ गया। अच्छा अब आप फ़ोन नंबर डाल दीजिए, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। तो इसकी कलर करते हैं, फ़ोन का कलर अभी ब्लैक रखेंगे, देखेंगे बाद में। ओ फ़ोन का कलर भी वाइट करना है, चलिए करते हैं, बढ़िया। अब सेम प्रोसेस से हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उसके बाद एसएमएस का लेना है, उसके बाद वो ईमेल का सिंबल लेना है, उसके बाद ईमेल आईडी जो भी आपका होगा आप वहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, ये ले लिया, वेरी गुड। और यहाँ पर हमें सिंबल में जाना, इंसर्ट में जाके, और ये सब ले ली, वही सेम जगह पर जाकर लेना है। ठीक है, इस पर छोड़ के आपको मैंने तो XYZ डाल दिया है ऐसे, ठीक है, @gmail.com आप कोई भी डाल सकते हैं अपना जो भी है। इस तरह से थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो इसके कलर वगैरह वाइट करेंगे और बैकग्राउंड को हटाएंगे, सेम प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, नो फील, नो आउटलाइन, ये देखिए सेट हो गया, ओके। अच्छा वेबसाइट के लिए मैंने एक धरती का चित्र मैंने ढूंढा है, सिंबल मैंने मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिर्फ www. करके ही डाल दिया है। तो यहाँ पर भी उसे डालूँगा, इंसर्ट में चलिए, सेव में चलिए, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जो भी आपका वेबसाइट होगा आप डाल दीजिए, नहीं होगा तो खाली रखिए, कुछ और डालेंगे, एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल्ड, थोड़ा वाइट, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब थोड़ा एड्रेस वगैरह डालेंगे, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया अब, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह डालते हैं, ठीक है, एड्रेस वगैरह डालते हैं। एड्रेस के लिए आपको जाना है फिर से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसी से लिखने में अच्छा रहता है और मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर मैंने, ये सही नहीं है एड्रेस, ऐसे ही डाल दिया मैंने कुछ सोच के, कलोल मार्केट पता नहीं कहाँ है, तो मैं बता दूं कि ये एड्रेस वैसे ही डाल दिया मैंने, हो भी सकता है सही हो, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा तो ये आगे आ जाएगा। यस, सेम प्रोसेस, आउटलाइन हटाना है, फिल को नो फिल करना है, इसको कलर वाइट करना है, हो गया फ्रेंड। अब इस तरह से एडजस्टमेंट करके आप आराम से एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।